लेकर फरार हो गया था। युवक जो है अपने झांसे में लेकर मुस्लिम युवक द्वारा उसे फरार किया गया था। इसके बाद जो है बारसलीगंज में जो है लोग काफ़ी भयभीत थे और इसी के चलते जो है बारसलीगंज को जो है बंद भी रखा गया था। लेकिन ऐसा पता चला है कि लड़की को जो है कोलकाता से बरामद कर लिया गया है। हालांकि इसे जो है ए लड़का ओ हेलो हालांकि इसका जो है पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि लड़की को जो है कोलकाता से बरामद कर लिया गया है और बधाई के पात्र हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन, जिन पर लोगों को जो है विश्वास था। प्रशासन ने बखूबी से निभाया और कठिन परिश्रम के बावजूद जो है इसे कोलकाता से बरामद कर लिया गया है। इसमें कुछ स्थानीय लोगों का भी सहयोग रहा है, उन्हें भी वो भी बधाई के पात्र हैं। और अंततः यही कहेंगे कि सभी लड़कियां जो हिंदू लड़की हैं, यदि आप प्यार करते हैं तो एक बार सोचें कि हमारे हिंदू धर्म में गौ को जो है पूजा किया जाता है, क्या आप गौ हत्या पसंद करेंगे? हमारे धर्म में हमारे धर्म में जो है एक स्त्री को जो है मान्यता दिया गया है, पराई स्त्री को देखना जो है पाप है। और मुस्लिम युवक जो है जब मन भर जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5 तलाक पर तलाक, तलाक पर तलाक देते रहते हैं, क्या आप उसे बर्दाश्त करेंगे? हमारे धर्म में जो है पशु पक्षी कई तरह के देवी देवताओं को जो है पूजा पाठ करने की आज़ादी है। आप मनपसंद घूर सकते हैं, मनपसंद खा सकते हैं, मनपसंद जो है लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन क्या आप बुर्का में रहना पसंद करेंगे? गौ हत्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? कई तरीके के काम जो है आपसे यह संभव है। ये सब सोच करके ही आप किसी मुस्लिम युवक के साथ दिल लगाएं। और हम तो यही कहेंगे ना कि एक लंगड़े लूल्हे जैसे भी हो, एक गरीब इंसान, मजबूर इंसान से आप प्यार कर लो, लेकिन एक मुस्लिम युवक से कभी दिल नहीं लगाओ। कब वो आपको टारगेट करते हैं, क्योंकि लव जिहाद, हम अपना आपको जो पहले ही बता चुके हैं कि लव जिहाद जो है दो शब्द से बना है। लव का अर्थ होता है, ये इंग्लिश वर्ड है, लव का अर्थ होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये आप सभी जानते हैं। और जिहाद का अर्थ, ये अरबी शब्द है, और जिहाद का अर्थ होता है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं लव जिहाद जो है आनी आपको जो है पता नहीं चलेगा, आपको जो पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। कितना भी पैसा उड़ा ले, कितना भी आपके पीछे पड़ ले, कितना भी आपको जो है आकर्षित करने का उपाय लगा ले। और बुड़बक लड़कियां इस चक्कर में पड़ जाती है, और जो समझदार लड़कियां होती है वो इसके झांसे में नहीं आती है। वो इसको समझती है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर जो है हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, किन किन हालातों से हमें गुजरना पड़ सकता है, वो इस चीज़ को समझती है। तो इस वीडियो को सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जो है आप लोग एक शेयर जरूर करें और सभी लड़कियों तक इसे पहुंचाएं, ताकि सभी लड़की इस चीज़ को समझ सके कि हालात चाहे जैसे भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, अपने माँ बाप के प्यार को भूलने का कोशिश नहीं करें। क्योंकि असली जो प्यार होता है ना, वो माँ बाप का प्यार होता है, जो अपने ज़रूरतों को ठुकराते हुए आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो होता है असली माँ बाप का प्यार। और आप एक पल, जिसे आप साल, 6 महीना 2-4 महीना से जानते हैं, आप उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और उसके जो है आप उसके चलते जो है अपना माँ बाप की इज्जत को नीलाम करके आप उसके साथ फरार हो जाते हैं, और उसके लिए आपके माँ बाप का जो जीवन होता है पूरा व्यर्थ हो जाता है। पूरा जीवन जो है वो एक दुखी जीवन जीते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप इस कदम को उठाने से 100 बार सोचें। और अंततः हम यही कहेंगे कि किसी लाचार, बीमार, बेसहारा, बेरोजगार युवक से आप प्यार कर लें, लेकिन एक लव जिहादी के चक्कर में ना पड़ें। बस सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस मेरा संदेश को सभी लोगों तक जरूर फैला देंगे। और आगे हमें और भी कोई सूचना मिलती है तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।